आज हम बनाएंगे सोया और आलू की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। तो इसके लिए चाहिए सोया, जो कि धो के काट लिया है, आलू है छोटी छोटी काट ली, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पाउडर ज़रा सा, मिर्ची पाउडर, नमक और गरम मसाला। बस इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब हम गैस जलाएंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से तेल डाल रखा है। जब तेल गर्म हो जाए तो मिर्ची और लहसुन का तड़का डाल देंगे। हरी मिर्च और लहसुन है। इसको बनाना बहुत ही आसान और जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब लहसुन और मिर्ची ब्राउन हो जाए तो हम सब एक साथ मसाले सारे डाल देंगे, और साथ में ही आलू और सोया जो काट के रखे हमने वो भी हम डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। ये बहुत ही आसान है बनाने में, कोई झंझट नहीं है। मसाला फ्राई करना है या क्या करना है, बहुत आराम से और जल्दी बन जाती है। बस सब में मिक्स हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना और ढक देना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसको कभी भी सिम पे पकाना है, ढक के सिम पे रहने देना है, जिससे कि धीरे धीरे पके। और बीच बीच में इसको अब चलाते रहेंगे। ये देखिए बीच में चला रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं तो, और इसको चेक करेंगे कि आलू पक गया है कि नहीं। तो अभी थोड़ी सी कसर है आलू में, एक बार हम और फिर ढक देंगे, सिम पे ही रहेगा, नहीं तो सब्जी जल जाएगी हमारी। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं है और आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।